हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नंदनी और मैं नेपाल से हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदू अरविंद 23। आज मैं और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड शॉपिंग करने जा रहे हैं, नवरात्रि का शॉपिंग। आप सबको मालूम ही होगा नवरात्रि आ रही है, हम लोग नवरात्रि का शॉपिंग करने जा रहे हैं। हम लोग नेपाल में रहते हैं, थोड़ा ही दूर इंडियन बॉर्डर है, वहीं पर हम लोग पानी टंकी जा रहे हैं शॉपिंग करने। मेरे पति नवरात्रि का व्रत रखते हैं, 9 दिन का पूरा व्रत करते हैं, तो उसी में पूजा का सामान सब चाहिए, इसलिए हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। लो हम लोग पहुँच गए हैं। पहुँचते ही पहले हमने निकलते ही साथ पहले पूजा का दुकान में गए, फटाफट शॉपिंग करके निकलूँगी बोल के। और पूजा का दुकान में जाते ही देखें कितना सारा भीड़। नवरात्रि पूजा में बहुत सारा पूजा का सामान लगता है, इसलिए हम एक एक लिस्ट लेके आए थे, एक एक सामान याद से सब सामान किन रहे थे। मेरे पति भी मेरे हेल्प कर रहे थे सब सामान लेने में, और मेरी बेटी वहाँ पे बोर हो रही थी। लिस्ट निकाल के भैया को दिए कि पूजा का सामान जल्दी दे दो, तो उसका में तो आधा ही सामान था, थोड़ा बहुत ही था, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा बहुत उससे लिए और बोले बिल कर दो, अब दूसरा ही दुकान में जाएंगे लेने। नवरात्रि पूजा में बहुत सारा सामान लगता है। आप लोग को कैसा लगता है नवरात्रि? मुझे तो बहुत पसंद है, मैं एक एक चीज़ अपने पसंद से लेती हूँ, 9 दिन पूजा पाठ करती हूँ। सारा सामान लेने के बाद हम लोग ने बिल किए, उसके बाद वहाँ से निकल गए दूसरे दुकान के लिए। आधा ही सामान था इसीलिए। नवरात्रि पूजा में श्रृंगार का सामान भी लगता है, इसलिए श्रृंगार का सामान भी मैंने किने चली गई। वहाँ पे सारा श्रृंगार का सामान था, टोटल लेडीज आइटम, उधर से भी सब सामान ली। उसके बाद हम लोग चले गए राशन का दुकान, थोड़ा बहुत राशन लिए। मेरे पति किन रहे थे, मैं वहाँ पर बैठी हुई थी, वो ले रहे थे। बहुत भीड़ था, चंद नवरात्रि का और भीड़ था इसीलिए। उसके बाद मुझे बहुत भूख लग गया, तो बोले चलो पहले कुछ खाते हैं तब घर जाएंगे, इसलिए हम लोग गए खाने। इतना टेस्टी था चाट वहाँ का, मेरी बेटी तो ये सब नहीं खाती, उसे सिर्फ मिठाई चाहिए। हम लोग चाट खाएं, मिठाई खाएं, और उसके बाद निकल गए घर के लिए। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।